स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव में इन दोनों के आने से कोई सियासी हलचल होगी भी या नहीं। बिहार चुनाव में दिखेगा महाराष्ट्र का दम, ठाकरे और पवार करेंगे चुनाव प्रचार, स्टार प्रचारकों की लिस्ट हो गई है तैयार। बिहार चुनाव में महाराष्ट्र का भी दम दिखाई देगा। जी हाँ, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बिहार के दंगल में उतरने का मन बनाया है। इस बारे में कल बात की है, 50 तक हम चुनाव सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। 50 स्वतः मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मी स्वतः जाईन पाटण्यात, इतर आहे पाटणा आणि इतर काही मतदारसंघात मी स्वतः जाईन। माझ्याबरोबर कार्यकर्ते सुद्धा असतील, इतर खासदार सुद्धा असतील, नेते असतील, पण उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री आणि आदित्य ठाकरे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री। शिवसेना की तरफ से प्रचार के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेता संजय राउत सहित 20 लोगों की लिस्ट सामने आई है। शिवसेना बिहार में 50 जगहों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं एनसीपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नाम सबसे पहले है। साथ ही प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक, सुप्रिया सुले का नाम शामिल है। हालांकि अभी तक एनसीपी की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। उधर मराठा दिग्गजों के बिहार आने के ऐलान से आरजेडी या बीजेपी ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। इस बार हमारी लड़ाई जनता लड़ने के लिए तैयार है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। बाकी तो सबको लोकतंत्र में अधिकार है, सब लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 10 नवंबर के बाद सब लोग वापस चले जाएंगे घर। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। शिवसेना और एनसीपी पहले भी यहाँ चुनाव लड़ चुकी है, उसका क्या हश्र हुआ है यह बिहार के लोग जानते हैं, एनसीपी के नेता जानते हैं, शिवसेना के नेता जानते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि दोनों पार्टियों के चुनाव लड़ने से बिहार में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि एनसीपी को बिहार में सफलता मिली भी है, लेकिन वो व्यक्तिगत सफलता थी, पार्टी की नहीं। फर्क कोई एक दो चार ऐसे कई रेट हों जो जिनका अपना प्रभाव मंडल होगा और उस कंस्टिट्यूएंसी में सामाजिक बनावट ऐसी होगी तो वहाँ उनका कई रेट का प्रभाव होगा। कोई दल का प्रभाव मुझे बिहार में इन दोनों दलों का नहीं दिखता है। बिहार में पहले फेज के लिए नॉमिनेशन का काम खत्म हो गया है, दूसरे फेज का नामांकन शुरू होने जा रहा है। देखते रहिए कितने उम्मीदवार शिवसेना और एनसीपी के उतरते हैं। इन दोनों प्रमुख पार्टियों का बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।